शक्ति स्वरूपा मचेरिल माता को मेरा प्रणाम। सरथल माता की इस पावन भूमि को मेरा प्रणाम। आप सब यहां डोडा, किश्तवाड़ और रामबन के अलग अलग हिस्सों से पहुंचे हैं। यहां आने के लिए आपने घंटों सफर किया है, इसके बावजूद आपके चेहरे पर थकान का नामो निशान नहीं दिख रहा। और चारों तरफ जोश ही जोश है, और मैं देख रहा हूं हमारी बहनें बेटियां इतनी विशाल संख्या में हमें आशीर्वाद देने आई है। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। आपका ये प्यार, आपके आशीर्वाद मैं दोगुनी, तीन गुनी आपके लिए, देश के लिए मेहनत करके चुकाऊंगा। हम और आप मिलकर के एक सुरक्षित और समृद्ध जम्मू कश्मीर का निर्माण करेंगे, और ये मोदी की गारंटी है। साथियों, इस बार जम्मू कश्मीर का चुनाव जम्मू कश्मीर का भाग्य तय करने वाला है। आजादी के बाद से ही हमारा प्यारा जम्मू कश्मीर विदेशी ताकतों के निशाने पर आ गया। इसके बाद इस खूबसूरत राज्य को परिवारवाद ने खोखला करना शुरू कर दिया। यहां जिन राजनीतिक दलों पर आपने भरोसा किया, उन्होंने आपके बच्चों की चिंता नहीं की। उन राजनीतिक दलों ने सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों को आगे बढ़ाया। जम्मू कश्मीर के मेरे नौजवान आतंकवाद में पिसते रहे, और परिवारवाद को आगे बढ़ाने वाली पार्टियां आपको गुमराह करके मौज काटती रही। इन लोगों ने जम्मू कश्मीर में नए नेतृत्व को कहीं भी कभी भी उभरने ही नहीं दिया।
आप भी जानते हैं यहां पंचायत के चुनाव 2000 के बाद नहीं हुए थे। यहां बीडीसी के चुनाव कभी भी नहीं हुए थे। डीडीसी के चुनाव भी कभी नहीं हुए थे। दशकों तक यहां परिवारवाद ने यहां के बच्चों को, यहां के होनहार नौजवानों को आगे नहीं आने दिया। और इसलिए ही 2014 में सरकार में आने के बाद मैंने जम्मू कश्मीर में नौजवानों की नई लीडरशिप को आगे लाने का प्रयास किया है। फिर 2018 में यहां पंचायत के चुनाव कराए गए। 2019 में बीडीसी के चुनाव हुए और 2020 में पहली बार डीडीसी के चुनाव कराए गए। और ये चुनाव क्यों कराए गए? ताकि जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेसी ग्रास रूट तक पहुंचे, यहां के मेरे युवा जमहूरियत की कमाल संभालने के लिए आगे आए। यही मेरी कोशिश थी। यहां परिवारवादी राजनीति करने वाले नहीं चाहते थे कि यहां का नौजवान राजनीति में आगे आए। हमने इन परिवारवादियों के इरादों को चुनौती दी और नतीजा क्या हुआ? लोकल बॉडी के इलेक्शन के बाद जम्मू कश्मीर में 30-35 हजार नए नौजवान राजनीति में आए। जम्मू कश्मीर की कमान संभाली। बीते सालों में जम्मू कश्मीर में विकास का नया दौर आया है, तो इसका क्रेडिट इन्हीं नौजवानों का है। मैं आज जम्मू कश्मीर के युवा को, चाहे वो बेटी हो बेटा हो, उनके जोश उनके जज्बे को सैल्यूट करता हूं। साथियों, जम्मू कश्मीर का इस बार का विधानसभा चुनाव 3 खानदानों और जम्मू कश्मीर के नौजवानों के बीच में है। एक तरफ 3 खानदान है और दूसरी तरफ सपने लेकर के निकल पड़े जम्मू कश्मीर के मेरे नौजवान बेटे बेटियां हैं। ये 3 खानदान, एक खानदान कांग्रेस का है, एक खानदान नेशनल कॉन्फ्रेंस का है, एक खानदान पीडीपी का है। जम्मू कश्मीर में इन 3 खानदानों ने मिलकर आप लोगों के साथ जो किया है वो किसी पाप से कम नहीं है। ये 3ों खानदान जम्मू कश्मीर को दशकों दशक तक